आज हम बनाएंगे एकदम आसान मजेदार ठंडी ठंडी मैंगो डिजर्ट। उसके लिए मैंने ये एक जार ले लिया है और ये दो पके हुए दशहरी आम ले लिए हैं काटकर। तो अब हम इसमें इनको जार में डाल देंगे। अब डालेंगे हम इसमें 2 चम्मच पिसी हुई शक्कर और ये मैंने ले लिया है 1/2 कटोरी कंडेंस्ड मिल्क और ये 1 गिलास दूध। अब हम इस सबको डालकर बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर लेंगे, इसकी प्यूरी तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारी प्यूरी तैयार हो गई है। अब हम इसे बोल में ट्रांसफर कर लेंगे और ये मैंने 1 आम को बिल्कुल बारीक काट कर ले लिया है और ये 2-3 चम्मच कंडेंस्ड मिल्क है। तो हम ये जो बारीक काट के आम रखा है इसको इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा आम कटा हुआ बचा लेंगे ऊपर से गार्निशिंग के लिए। देखिए इस तरह से हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसे भी हम साइड पर रखेंगे। ये मैंने 6 से 7 ब्रेड के पीस ले लिए हैं तो इनके साइड के कॉर्नर्स निकाल दिए हैं और ये मैंने 1 कांच की ट्रे ले ली है। अब हम 1-1 ब्रेड के पीसेस को, ये जो हमने प्योरी तैयार करी है, इसमें इस तरह से अच्छे से कोट करके और इस पे लगाते जाएंगे। देखिए इस तरह से अच्छे से कोट कर लेना है हमें। तो देखिए मैंने इसमें इस तरह से पीस लगा दिए हैं और अब जो इसमें जगह बची है हुई है इसमें हम थोड़ी सी प्योरी से इसको बराबर कर देंगे। ये 1 लेयर लगकर तैयार हो गई है। दूसरी लेयर लगाएंगे हमने ये जो कटे हुए आम की बनाई है। ये देखिए हमारी दूसरी लेयर आम की, ये भी लगकर तैयार हो गई है। अब हम 1 लेयर और ब्रेड की लगाएंगे। इसी तरह से हमें डिप करके और सारे में कवर कर देना है इस पे। देखिए हमारी ब्रेड की लेयर एक और लगकर तैयार हो गई है। अब ये ले लिया है मैंने क्रीम, तो इसको मैंने हल्का सा व्हिप कर लिया है। अब हम 1 लेयर इसकी लगा देंगे। ये देखिए ये तैयार हो गया। अब हम इसे 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। और देखिए इसको रखे हुए 2-3 घंटे हो गए थे, ये अच्छे से सेट हो गया है। अब हमने जो ये आम बचा कर रखे थे बारीक कटे हुए, इसको इसकी गार्निशिंग कर देंगे। तो इस तरह से मैं इसे इसके चारों तरफ से इसकी गार्निशिंग कर दूंगी। ये देखिए ये इस तरह से ये बनकर तैयार हो गया हमारा मैंगो डिजर्ट। तो देखिए इसे बनाने में हमें गैस का भी बिल्कुल यूज़ नहीं करना पड़ा, बिना गैस जलाए हमारा ये डिजर्ट बनकर तैयार हो गया है।